हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स स्टॉप। यहाँ पे सुबह मैंने नोज़ पे मेरे को पिंपल्स हो गए थे, तो दवाई लगा के फिर अपने दिन की जो है वो शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत जो है वैसे ही हमेशा की तरह रिवीजन से करेंगे। ये मेरे नोट्स की फ़ाइल है, इनको और करंट अफेयर दोनों को कंबाइन करके करेंगे। उसके साथ कमेंट्स भी ले लेते हैं। फर्स्ट है रानी का कमेंट, दी प्लीज़ बता दीजिए यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर कैसे कवर करते हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएस के लिए एक बुक आती है, घटना सार करके जो है करंट अफेयर की मैगजीन आती है। वो मतलब आपकी जो है वो 6 मंथ्स बेसिस पे भी आती है और एनुअल भी आती है, तो वो आप कर सकते हैं। कोई मैगजीन मतलब क्लास अलग से यूपी पीसीएस की मैंने नहीं ली है, ठीक है। उसके बाद जो है वो तनिष्क का है, और कई लोगों का ये कमेंट था कि जो एलसीडी राइटिंग टैबलेट है उसका लिंक दे दूँ। मैं लिंक जो है दे दूँगी आप लोगों को, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऑनलाइन खरीदें, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है। आप ऑफलाइन मार्केट से लें तो वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है वो है अर्पिता का कि इज़ इट इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ डेली करंट अफेयर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो येस 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 येस, बहुत बड़ा येस, क्योंकि मेंस के लिए हमको नोट्स बनाने ही बनाने होते हैं। प्रीलिम्स के लिए अपनी मर्जी होती है, कई लोग जो है वो नोट से पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट मेंस के लिए आपको करना होता है, बिकॉज इतना ह्यूज सिलेबस है आप बाद में रिविज़न नहीं कर पाएंगे। तो कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है वो आपको करना चाहिए। और बाकी आप एक बार जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनसे भी जो है वो एक बार देख लीजिए उनकी वीडियो आंसर राइटिंग की, मेंस प्रिपरेशन की, आपको बेटर आइडिया जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरी रिवीजन पूरी हो गई थी और बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। दिल्ली में अभी यही हो रहा है, इवन सभी स्टेट्स में यही हो रहा है, मॉनसून आ चुका है, तो कि किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है, कैसा भी मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया था और ऐसे ग्रीनरी देखे ना मेरा मन खुश हो जाता है। तो मैंने चेक किया कि अभी लाइब्रेरी जाना था कि क्या सीन है, तो 28 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे थे, क्लाउडी दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि बारिश होती रहेगी। तो फिर मुझे सोचा चलो मौसम तो अच्छा है ही, और अब सावन भी, आज से ही सावन शुरू हुआ है, हैप्पी सावन आप सभी को। तो मैं सोचा कि चलो न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे को टेम्पल जाना था मम्मी के साथ। हम वेट कर रहे थे कि बारिश रुके, उसके बाद मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना न्यूज़पेपर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो राना पहाड़ी एंटरटेनमेंट का था कि हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो बताया कि आप इनका क्या, बेसिकली इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ उससे थोड़े डरे हुए हैं। देखिए, डर तो सबको लगा था, मुझे भी लगा था, बट एक गौरव कौशल सर हैं, अच्छा पहले मैं बता दूँ यहाँ पर मैं टेम्पल जा रही हूँ, तो एक गौरव कौशल सर है, उन्होंने कहा था कि अगर जो है यूपीएससी इन प्रैक्टिकल चीज़ करी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो बदल देंगे। हमें उन्हीं ऑथेंटिक सोर्सेज को लेके चलना है, उन्हीं को पढ़ना है अच्छे से। तो आप बिल्कुल मत डरिए इस चीज़ को, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो जो रिव्यू कमेटी बनेगी यूपीएससी की, तो हो सकता है वो उस चीज़ को रेक्टिफाई करे। तो इससे डरना नहीं है आपको, आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो आप तो यार बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो कीजिए अच्छे से। उसके बाद जो है वो मैं घर पर आ गई थी। मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया अपना मखाने और चाय के साथ, और उसके बाद जो है अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊंगी। तो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैंने मास्टर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, दिशा पब्लिकेशन की यूनिक बुक है, वो ऑर्डर करी है, जिससे कि मैं अपनी इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कलरफुल मैप्स की हेल्प से जो है वो बहुत ईजिली कर सकती हूँ। इस बुक में आपको 105 कलर मैप्स दे रखे हैं, जो कि 78 मैप्स इंडिया के और 27 मैप्स वर्ल्ड के हैं। फिजिकल पोलिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। दिशा पब्लिकेशन की बुक है। ये मैप जो है ये आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कराती है। इसमें क्रिटिकल डाटा दे रखा है इन दी फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स। यहाँ पे जो 105 मैप्स आपको दिए गए हैं वो सीएससी एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं, ताकि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस में, उसको ध्यान दिया जा सके। देखिए, आप यहाँ पे जैसे कंटेंट ही देख रहे हैं, तो कंटेंट में आप देखेंगे कि फुल इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रखा है, जैसे कि रीजनल डिवीजन, रिवर्स, एग्रीकल्चर, कोल माइंस। फुल वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रखा है, कॉन्टिनेंट वाइज, वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन। डायरेक्टली आप अपने मेंस के आंसर्स में से यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए कि डाटा कितना ऑर्गेनाइज है, कलर कोडिंग दे रखी है, विजुअली अपीलिंग बनाया गया है प्रेजेंटेशन को, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको याद कर सके। इंडिया सेक्शन में फिजिकल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हर एस्पेक्ट को इसमें कवर किया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये मेरी अमंग द फेवरेट बुक हो गई है आते ही, और आप देखेंगे आगे की वीडियोस में भी मुझे यूज़ करती हो, तो आप इसको ज़रूर जो है वो परचेज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, और जितने भी मैप और कंसेप्ट हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी करिकुलम के बेसिस पे बनाए गए हैं, ताकि आपके सारा जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो सके। तो आप देर किस चीज़ की कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस बुक को जो है आप बाय कर सकते हो, और रियली में आप अपनी ज्योग्राफी को मास्टर कर सकते हैं थ्रू मैप्स, क्योंकि बहुत एक यूनिकली बुक है दिशा पब्लिकेशन की। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के निकल गई थी और देखो मैं कैसे जा रही हूँ। एक्चुअली रिक्शा जस्ट मुझे घर के बाहर ही मिल गई थी, सोसाइटी के बाहर, तो मैंने सोचा यार चल के जाना पड़ेगा, कीचड़ वगैरह हो रखा है। तो मैं ऐसी हो गई थी, ऐसे सिलेंडर के बीच में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होकर मुझे जाना पड़ रहा था। और बिकॉज सावन शुरू हुआ था तो गाय को जैसे रोटी अब मैं दोबारा देने लगी, बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, पापा देने लग गए थे। तो गाय को रोटी दे के मैं आई लाइब्रेरी में। ये मैप जो मैंने लगाया था लास्ट वीडियो में आपने देखा, तो ये ऐसे निकल गया था। आज मैं खुश हूँ कि आज की सावन भी है, तो आज जो है वो मैं HCS का अपना हिंदी का पेपर जो है वो सोल्व करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं सामान्य हिंदी को रिवाइज़ कर रही थी अपने, क्योंकि यार मतलब जैसे कि 10th क्लास तक मतलब मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सच में अच्छी थी, मेरे हमेशा 90+ मार्क्स ही आते थे। बट जैसे ही आप एकदम से साइंस में गए और सारी चीज़ें ही आपकी इंग्लिश में हो गई, इवन तो मतलब हिंदी सच बताऊँ मतलब मुझे शेमफुली ये बात बतानी पड़ रही है कि अब मैं हिंदी लिखती भी हूँ तो मेरे हाथ में दर्द होता है, कुछ वर्ड्स भी मैं भूल गई हूँ। और उस टाइम मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने कितने कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे जब हिंदी स्पीच या हिंदी डिबेट्स या कितनी चीज़ें हुआ करती थी, और मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ चीज़। और यही होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने HCS का पेपर खोला अपना और करना शुरू किया। वो भी आप देखिए, उतने जो है मैं कमेंट लेती हूँ रोकी का जो है ये एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, गाइड कर दीजिए। तो ठीक है रोकी, अभी मेरे 2 व्लॉग्स तो बन चुके हैं, 2 नहीं 1 व्लॉग और बन चुका है, तो उसके बाद जो होगा अपकमिंग व्लॉग उसमें मैं ज़रूर आपका ये कमेंट लूँगी, मैं इसको संभाल के रखूँगी। नेक्स्ट जो है वो है फैशनेबल भी थी रहा। ओके मैम मुझे जाना था कि विज़न IAS की मंथली करंट अफेयर अच्छी है ना? यस, विज़न की करंट अफेयर बहुत अच्छी है, मैं खुद उसको यूज़ करूँ। बट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो काफ़ी होते हैं, तो ये गलत है, काफ़ी वो नहीं होते हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और उसी के साथ मैं PW ओनली IAS का एडिटोरियल करती हूँ, वो आपको करना और PIB की साइट आपको फॉलो करनी है। तो जो है विज़न कीजिए फॉलो, बट उसके साथ आपको ये सोर्सेज भी करने पड़ेंगे अगर आपको सच में मतलब सिलेक्शन चाहिए तो। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी का जो है देख लिया था और मैं इसको देख के तो लिटरली मेरे माइंड में टर्म्स ही नहीं आ रहे थे। जैसे ये था बेसिकली, इसमें एक पैराग्राफ दे रखा था और उसको हिंदी में जो है वो चेंज करना था। तो इन्होंने पूछ रखा था कि जो है जैसे इन्होंने बोल रखा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको कैसे लेके चलना है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये जो टेक्निकल टर्म्स है इनके लिए क्या हिंदी वर्ड करूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इवन एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरे साइड में जो लड़का बैठा था, मैंने उससे भी पूछा कि उसको क्या कहते हैं स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, तो उसने बताया कि लघु उद्योग कहते हैं। तो फिर मैंने वो लिखा। तो आज पूरे ही ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप मेरी ऐसी ही शक्लें देखेंगे, सोचते हुए, घबराते हुए कि समझ नहीं आ रहा, अपने आप पे शर्म करते हुए इस तरीके से। अच्छा, एक ना कमेंट आया था कि आप अपनी लैंग्वेज बदलो, आप इंटरव्यू में कैसे करोगे। यार इंटरव्यू में मैं ऐसे थोड़ी बात करूँगी, यहाँ पर तो मैं आपके साथ अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स की तरह बात कर रही हूँ। एक घर में जो हम पर्सनली बात करते हैं और एक जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे मत रिलेट कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है विनीत का कि दी आप किस टॉपिक का रिवीजन कितने इंटरवल में करते हो। तो देखो यार, इसका तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होता है कितना होता है, बट फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि आधा घंटा आप इंटरवल दे सकते हैं अगर ऐसा आप बिगिनर हैं, वरना फिर 10 से 15 मिनट का जो होता है वो काफ़ी होता है। उसके बाद आदर्श का है कि दी मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। देखिए मेंस के नोट्स बनाने का जो एक तरीका मैं आपको बताऊँ, जैसे आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको देखिए कि स्टैटिक और करंट में वो चीज़ कैसे है और आप उसको गूगल का सर्च कीजिए। तो आप जो है आपको जो चीज़ें रखनी है ना वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से रखनी है, आंसर राइटिंग से। जैसे उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ डाटा जो उससे रिलेटेड है वो आप नोट्स में लिखेंगे, उसके साथ जैसे उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, क्या चैलेंजेस है, क्या सिग्निफिकेंस है उस चीज़ का, गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए क्या कर रही है, अगर कोई खामी है तो हम उसको कैसे पूरी कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना है उस आंसर को लिखते हुए, ताकि जो आंसर पढ़ रहा है उसको लगे कि ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऐसा मौसम हो गया था, लिटरली अंधेरा हो गया था। आपको याद भी होगा सावन का जो फर्स्ट डे था, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कि दिन के 1 बजे के अराउंड 1:30 बजे के अराउंड पूरा ऐसे अंधेरा हो गया था जैसे शाम हो गया। मतलब लिटरली देखो लाइट्स जो है मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी कैमरे में इसको ढंग से, ऐसा हाल हो गया था कि लाइट्स जल गई थी सारी उसकी और ऐसा लग रहा था कि शाम के 6-7 बजे के बाद मुझे लगा कि मुझे घर निकल जाना चाहिए, कि ऐसे बारिश भी आनी शुरू हो गई थी। बट मुझे लगा कि बाद में ठीक हो जाएगा, तो मैं लाइब्रेरी में रुक रही और नहीं रुकी। और अगेन वही ये संदीप भैया ये एपिसोड आ जाता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार ये फिर दिखा रहे हैं इसको कि आ रहा है प्रीमियर होने वाला था या हो गया था ये उस टाइम पे। ये जो था पहले ही मैंने शूट कर लिया था ये वीडियो, मतलब पीछे चली गई है गलती से एडिटिंग में, एडिटिंग करी है जिन्होंने। तो उसके बाद जो है वो मैंने ये इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटी रिलेटेड, नालंदा रिलेटेड कुछ था, क्योंकि हिंदी का पेपर देख के मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, रियली डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मैंने ये देख लिया। और वो संदीप भैया वाली जो है वो पहले आ चुकी थी तो मैं दोबारा देखना नहीं चाहती थी, मैं सोचा था कि चल बाद में देखूँगी। उसके बाद जो है वो कमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है लकी टैग का कि आपके आईपैड के मॉडल का, आप अगर टैब का मॉडल की बात पूछ रहे हैं तो मैं टैब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनवीर का कि रास एग्ज़ाम रिलेटेड राजस्थान एग्ज़ाम के बारे में बताइए। तो देखिए मैं वो दे नहीं रही हूँ तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा, तो सॉरी उसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी, रियली सॉरी। और यहाँ पे अंशिका जो है वो इस राइटिंग पैड पे लिख के अपनी जो है वो रिवीजन कर रही थी, हम यहाँ पे लंच करने के लिए आ गए थे तो मैंने उसको वापस दे दिया ये पैड की, ठीक है तो कर ले अपना। और फिर हम जो है वो यहाँ पे अपना जो लंच है वो करने लग गए थे। उसके बाद है शंकर शार्क रंजन का कि मैम आप एनसीईआरटी की बुक लिस्ट शेयर कर दो। ठीक है, बुक लिस्ट ये एनसीईआरटी से रिलेटेड कमेंट आ भी रहा था। तो देखो बुक लिस्ट का ये है, जो ज्योग्राफी है उसमें आपको 6 से 12 लेके चलना है, जो इंडियन कल्चर है उसमें आपको लेके चलना है 11th और 12th की बुक। हिस्ट्री जो है वो आप 11th 12th की ले सकते हैं, बट अभी जैसे थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मतलब वैसे मीन्स के लिए तो आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं 8 से 10th क्लास की बुक्स को भी, बट 11th 12th की आपको अपने एज अ बिगनर्स लेके चलना है। इकोनॉमी में आपको मैक्रो इकोनॉमी जो है उसको लेके चलना है। उसके बाद जो पॉलिटी अगर आपको अपना पूरा ढंग से बेस बनाना है तो आप 9th क्लास से करिए, वरना 11th 12th की जो है बुक जिसमें कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन और जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कर लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको जो बायो के 4 चैप्टर्स है वो कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप साइंस के एनसीईआरटी कर सकते हैं, मुझे साइंस एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं लगती है बट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, बस यही थे सब्जेक्ट्स, तो आप जो है इनको ऐसे लेके चल सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है किसका, निकिता बंदर का करंट अफेयर्स और सिलेबस कैसे साथ में लेकर चले। देखिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, मतलब कि साथ में लेके चलना कैसे आप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका कि करंट अफेयर या स्टैटिक आप चीज़ कह रहे हैं। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि करंट अफेयर को आप जब दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-2.5 घंटे आप डिवोट कर देंगे अगर करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ, तो आप ईजिली लेकर चल सकते हो उस चीज़ को, और वो ज़रूरी भी है। बिकॉज अगर मान लिया आपने कोई आर्टिकल अभी पढ़ा पॉलिटी का और बाई चांस वही न्यूज़ के अंदर है तो अब आपको तो वो पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्म में तैयार करना पड़ेगा ना अपने मेंस के लिए, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आप शायद कमेंट ढंग से बता नहीं पाई है, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। नेक्स्ट जो है वो यह है यूपीएससी आईएएस मोटिवेशन का कि दी आप करंट अफेयर कहाँ से करते हो और एक वीडियो ऐसे बनाओ पेपर एनालिसिस कैसे करें। चल पेपर एनालिसिस का मैं देखती हूँ, करंट अफेयर मैं विजन से करती हूँ, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एडिटोरियल, उसके साथ द हिंदू, तो ये सारे मेरे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने देख भी नहीं रही कि लोग चल रहा है कि क्या। हाँ, यहाँ पे शुभला रंजन मैम की एक बहुत अच्छी वीडियो मेरे को लगी थी जिसमें ये बता रखा था कि जो ये रशिया यूक्रेन का अटैक है तो क्या ये सोवरेनिटी को नहीं डिस्ट्रॉय करता है, कि मतलब कि अगर रशिया का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो क्या रशिया पूरी तरीके से गलत है। और सच में मतलब मुझे ये इतना अच्छा लगा अपने मेन्स के लिए और अपने इंटरव्यू के लिए। ये वीडियोज़ ना आप देख सकते हैं, शुभला रंजन मैम का चैनल है तो आप उन पे जाके देख सकते हैं। अच्छी वीडियोस थी उनकी, छोटी छोटी वीडियोस थी, डिस्कशन फॉर्म में थी, बट वो डिस्कशन फॉर्म में ही इतने सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। जैसे आप देखिए मेरे नोट्स यहाँ पे बनने लग रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो गरिमा लोहिया मैम है आपकी बार जिनका सेकंड रैंक है, तो वो अपना एथिक्स का बता रही थी, तो इनका मैं देख रही थी कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी, कुछ सोर्सेज इन्होंने बताए थे, तो आप भी इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको भी कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसे आप अभी स्टार्टिंग अगर करना चाहते हैं तो इन्होंने कुछ सोर्सेज अलग बताए थे, तो हाँ मैं भी वो ऐड ऑन कर लूँगी चीज़ें, क्योंकि वो इतनी मुश्किल भी नहीं थी और मुझे लगी कि हाँ ऑथेंटिक चीज़ें थी। उसके बाद निधि ठाकुर का था कि करंट अफेयर मैगजीन वो मैंने बता ही दिया है आपको, और करंट अफेयर एनालिसिस किस चैनल का करते हो तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। उसके बाद क्या है कि हेलो हाउ टू एनालिसिस पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी एज बिगिनर। तो एज अ बिगिनर तो यार क्या है कि आपको पहले सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप सिलेबस अच्छे से पता होगा, आपने एक बार कम से कम बेसिक्स बुक को करा होगा, उसके बाद ही आप पीवाईक्यू को एज अ बिगनर जो है वो कर सकते हैं एनालिसिस। उससे पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो उससे आपका जो मोराल है वही डाउन होगा, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद है बबीता कुमारी यादव का, हायदी मेरा ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मैप में सारे कंट्री का मैप ड्रॉ करना, रिमेंबर करना जो है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो करंट अफेयर में कंट्रीज़ है ना, तो ज़्यादा आपको उनके ऊपर फोकस करना होता है, उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती है, नेबरिंग सी बॉडी क्या है, इंडिया से उसका क्या रिलेशन है, तो इस तरीके से आपको जो है वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ, तो आपको पता ही है मैं उसको राइटिंग पैड पर लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी शायद ये कह लो नया नया शौक भी है, और शौक भी नहीं, जैसे कि मेरे को अच्छा लग रहा है इस तरीके से करना ना, मेरे को लग रहा है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद प्रिया सिंह का कि कौन सा पेन यूज़ करते हैं, तो यार मैं हर चीज़ में बता देती हूँ, सैलो का पेंटोनिक पेन है, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मुझे जो पेन की ग्रिप होती है ना, सबका अपना हिसाब होता है। मेरे लिए होता है कि जो निब होनी चाहिए वो लंबी और पतली होनी चाहिए, और जो पेन होना चाहिए वो भी पतला होना चाहिए, ताकि मैं उसको अच्छे से पकड़ सकूँ। उसके बाद मैंने इवनिंग स्नैक के लिए कुकुम्बर और जो एप्पल है वो लिया था, और पता नहीं क्यों मुझे खा के सिर दर्द हो गया। देन मैं जो है वहाँ पर घर के लिए निकल गई थी, शाम सी का टाइम हो गया था, और जल्दी मैं थोड़ा इसलिए निकली कि यार कहीं दोबारा जो है वो बारिश वाला मौसम ना हो जाए, और ऐसा हो भी रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, मतलब रात सुबह सो के उठे तो रात को बारिश हो जा रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा फिर गर्मी इतनी क्यों रह रही है यार, कि ऐसा हो ही रहा है। तो और जैसे अब मैंने अपनी जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, उन चीज़ों को भी दोबारा शुरू कर दिया। तो यहाँ पे रात को मैंने अपने डिनर में जो है वो पोहा बनाया था, और पोहा के ऊपर मैं इस तरीके से नवरत्न नमकीन डाल के खाती हूँ, तो थोड़ा क्रंच लुक आता है, और उसके ऊपर से लेमन, क्योंकि मैं अनियन नहीं कंज्यूम करती हूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू।